स्टार प्लस के ब्लॉकबस्टर शो पांड्या स्टोर पर निकल कर आ गई है बहुत बड़ी खबर। इस शो में बहुत ही जल्द एक बिल्कुल नया एंट्री होने वाला है, जिसके एंट्री से धवल और नताशा की जिंदगी में बहुत बड़ा भूसा लाने वाला है। तो इस शो में कौन एंट्री करने वाले हैं, उनका किरदार इस शो में क्या होने वाले है, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार प्लस के शो पांड्या स्टोर को फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ये शो हमें देखने को मिलता है स्टार प्लस पर सोमवार से रविवार रात के 7:30 बजे। पहले इस शो में हमें मेन लीड्स के तौर पर देखने को मिला था साइनी डोसे, कानबर डिलन, एलिस कौशिक, सिमरन बुटरप, रोहित संदल, अंकिता बहुगुना जैसे टेलीविजन के बड़े बड़े स्टार्स। जेनरेशन लीड के बाद इस शो में हमें पियांशी यादव मेन लीड्स नताशा के रोल में हमें देखने को मिल रही है। अब इस शो पर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है कि इस शो में बहुत ही जल्द बिल्कुल नया एंट्री होने वाला है। इस शो में सूरज कक्कर की एंट्री होने वाली है, जो इस शो में हमें सूरज के रोल में देखने को मिलेंगे। उनके एंट्री से इस शो में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि वो नताशा के लाइफ में काफी ज्यादा मुश्किलें पैदा करने वाले हैं, जिसके एंट्री से नताशा और धवल की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। सूरज कक्कर टू एंटर इन स्टार प्लस शो पांड्या स्टोर। सूरज विल बी द न्यू गाय हु विल मार्क हिज एंट्री इन नताशास लाइफ। जबर पांड्या स्टोर की कहानी फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है। शुरुआत से इस शो की जो टीआरपी है वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। उससे पहले से इस शो का हमें डबल एपिसोड देखने को मिल रहा है। पहला जो एपिसोड है वो हमें शाम के 6 बजे देखने को मिल रहा है और दूसरा एपिसोड हमें 7:30 के टाइम स्लॉट पर देखने को मिल रही है। लास्ट वीक इस शो का टीआरपी 2.0 निकल कर आया था। तो आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या पांड्या स्टोर की टीआरपी और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, और आपको क्या लगता है इस हफ्ते इस शो का टीआरपी क्या निकल कर आने वाली है? तो अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे नए अपडेट्स के लिए। देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।